स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12, बच्चों आप सबके लिए बहुत अच्छी खबर है। जिन बच्चों को कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना था, सो वी वेर वेटिंग फॉर द सर्कुलर। हम सर्कुलर का इंतजार कर रहे थे कब आएगा हमारा ये लेटेस्ट सर्कुलर इस साल का। हालांकि लास्ट ईयर का हमें मिला हुआ था और हम जानते भी होते हैं कि ऑलमोस्ट पॉइंट्स क्या होंगे, बट बेटा पहले इन सर्कुलर को अच्छे से समझ लो, उसके बाद फॉर्म फिल करना। क्योंकि हर बार क्या होता है, बच्चे हड़बड़ाहट के मारे गलत फॉर्म फिल कर देते हैं और उसके बाद उनको दिक्कत होती है। यू शुड नो कि आपको क्या फिल करना और कैसे फिल करना है। सो लेट अस स्टार्ट द सर्कुलर। ओनली फॉर स्कूल इन रिस्पेक्ट टू रेगुलर स्टूडेंट। अगर आप रेगुलर कैंडिडेट है तो आपका स्कूल फिल करेगा, बट स्टिल आपको सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। फिर ये जो एग्ज़ाम होगा, सप्लीमेंट्री एग्जाम कहते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम को, जिनकी फर्स्ट टाइम कंपार्टमेंट आई है वो देंगे, करेक्ट। यानी कि अभी 2024 में जिन्होंने बोर्ड दिया होगा, या फिर जिन बच्चों को ने अभी बोर्ड दिया था और पास हैं बट आपको अपने मार्क्स बढ़वाने हैं, परफॉर्मेंस इम्प्रूव कराना है तो दे सकते हैं। टेंथ वालों के लिए परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट के लिए दो सब्जेक्ट अलाउड है, ट्वेल्थ वालों के लिए एक ही सब्जेक्ट अलाउड है। दैट यू शुड बी वेरी क्लियर विथ, राइट। एक और कैटेगरी है जो इस बार एग्जाम देगी, जो कि है थर्ड कंपार्टमेंट, यानी कि जिन बच्चों ने 2023 में बोर्ड दिया वहाँ पर पास नहीं हो पाए, फिर 2023 का जो जुलाई में कंपार्टमेंट था फर्स्ट कंपार्टमेंट वो क्लियर नहीं हुआ, अभी 2024 का जो फेब में बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें उनका सेकेंड कंपार्टमेंट था वो क्लियर नहीं हुआ, तो अब दिस इज द लास्ट चांस फॉर थर्ड कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स। आप प्राइवेट कैंडिडेट की तरह भरेंगे और खुद ही अपना फॉर्म फिल करेंगे, करेक्ट। एंड जो टेंथ एंड ट्वेल्थ प्रोसेस फॉर, अब स्कूल वाले क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जनरेट करेंगे, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका नाम उसमें है या नहीं है। कई बार बच्चों बिल्कुल ही पता नहीं चलता, फॉर्म का डेट निकल जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, स्कूल से कॉन्टैक्ट में रखना। ओनली दो स्टूडेंट हुज नेम इज सबमिटेड थ्रू द ऑनलाइन प्रोसेस शैल बी अलाउड फॉर सप्लीमेंट्री एग्जाम। आपकी कंपार्टमेंट आ गई है लेकिन अगर आपका स्कूल LOC में आपका नाम जनरेट नहीं करेगा तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। स्कूल के पास तो एफिलिएशन नंबर तो डेफिनेटली होगा, नहीं होगा तो वो किसी और का यूज़ करते हैं क्योंकि वो यूज़र आईडी की तरह यूज़ होता है, एंड पासवर्ड तो हर स्कूल का अपना होगा। देन कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स जो होंगे, जो स्कूल CBSE एफिलिएटेड होगा वही करवा सकता है। सिमिलरली स्कूल्स शैल आल्सो कॉन्टैक्ट देयर स्टूडेंट्स प्लेस इन कंपार्टमेंट कैटेगरी एंड इन्फॉर्म देम अबाउट कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। जो रेगुलर कैंडिडेट है उसमें स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बट आप स्कूल पर रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि कई स्कूल्स बहुत कैजुअली भी चलती हैं। सो द स्कूल शैल इन्फॉर्म देयर कैंडिडेट्स इफ डिक्लेयर्ड पास बट विश टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंसेस इन टू सब्जेक्ट इन टेंथ एंड वन इन ट्वेल्थ। स्कूल की ड्यूटी तो बनती है बट स्टिल हर चीज़ स्कूल नहीं करता, तो आपको खुद ही देखना होगा। स्कूल का काम है आपके LOC जनरेट करा करके कंपार्टमेंट कैटेगरी में डाल करके उसको CBSE तक भेजना। इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल टू सबमिट LOC विद इन द स्टिपुलेटेड स्केड्यूल। कई स्कूल्स में क्या कर रहे हैं ना, बच्चों को बोल रहे हैं कि हम नाम नहीं डालेंगे आपके LOC में, तो आप अपने स्कूल्स के टीचर से कंफर्म कर लीजिए। स्कूल ही सबमिट करेगा और कोई नहीं कर सकता रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। सो कंपार्टमेंट में जो चांसेस मिलते हैं वो मैक्सिमम 3 ही मिलते हैं किसी स्टूडेंट को। यानी कि अगर किसी की सपोज केमिस्ट्री में 12th में कंपार्टमेंट आ गई या क्लास 10th साइंस में आ गई, तो 3 बार आपको मौका मिलेगा एग्जाम देने का, जिसमें आप सिर्फ इन सब्जेक्ट के एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। 3 बार में अगर क्लियर नहीं हुआ तो फिर आपको अगले साल बोर्ड में प्रॉपर एक रेगुलर स्टूडेंट की तरह एग्जाम देना पड़ेगा। और इसके लिए एक सेपरेट सर्कुलर CBSE अपने वेबसाइट पे जारी करती है। स्कूल्स मे एडवाइस डायरेक्ट एज प्राइवेट कैंडिडेट्स टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट। आप CBSE के वेबसाइट पे डायरेक्टली प्राइवेट कैंडिडेट की तरह अप्लाई करते हो, ठीक है। अगर कोई डिफिकल्टी या क्वेरी होती है ऑनलाइन सबमिशन में तो IT ब्रांच होता है रीजनल ऑफिस में, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको दिक्कत होती है तो देर आर पीपल जो फॉर्म फिलअप करवाते हैं, तो आप उनकी मदद से भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देन कॉन्सोलिडेटेड मार्कशीट आपको कब मिलेगी, वो तब इशू होगी स्टूडेंट को जिनके रिजल्ट डिक्लेयर्ड होंगे कंपार्टमेंट में। अगर आप पास हो जाते हैं ना कंपार्टमेंट में, मान लो बोर्ड में कंपार्टमेंट मिला और कंपार्टमेंट में आप पास हो गए, तो आपको एक नई मार्कशीट मिलेगी, ठीक है। अगर नहीं क्लियर हुई तो फिर अभी आपका पुराना ही चलेगा। सप्लीमेंट्री एग्जाम विल बी कंडक्टेड बेस्ड ऑन द सिलेबस। सारे डाउट्स आपके सर्कुलर से क्लियर हो जाएंगे। आपका सिलेबस वही होगा जो 2023-24 में भी बोर्ड एग्जाम का सिलेबस था। इम्प्रूवमेंट कैन बी डन इन द सब्जेक्ट जो हमारे इस सर्कुलर के
नेक्स्ट ईयर 5A और 5B में लिस्टेड सब्जेक्ट्स हैं उसी में आप दे सकते हैं, ठीक है। LOC विल बी फिल्ड एज पर द करेंट स्टेटस ऑफ द रिजल्ट। सप्लीमेंट्री एग्जाम्स जो हैं वो 15 जुलाई को तो होंगे ही, 12th वालों के तो बस एक ही दिन होंगे, 10th वालों के 15 जुलाई से स्टार्ट होंगे। देन यू विल गेट अ डेट शीट, ये डॉक्टर सन्यम भारद्वाज का साइन किया होगा, विद द कंट्रोलर ऑफ योर एग्जामिनेशन। आपको जो डाउट हो वो एनेक्शन के हिसाब से देख लो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, शेड्यूल के लिए नेक्स्ट ईयर 2, फी स्ट्रक्चर के लिए 3, डिटेल प्रोसीजर ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं और अब एक ही बार सबमिट करने का ऑप्शन होता है, गलती कर दिया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट नेक्स्ट ईयर 5, यू शुड नो एवरीथिंग बिफोर यू फिल अप द फॉर्म। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप अच्छे से जानते हो, 12th के या 10th के ऑलमोस्ट सेम ही होता है कि रेगुलर स्टूडेंट्स जो अभी बोर्ड में अपीयर हुए थे और एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गई, 12th वालों की और 10th वालों की 2 सब्जेक्ट में अलाउड है। मान लो 6 सब्जेक्ट में दिया और 4 सब्जेक्ट में क्लियर हो गया, 2 सब्जेक्ट में रह गया तो भी कंपार्टमेंट आपकी आएगी। रेगुलर स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन 6 सब्जेक्ट्स एंड डिक्लेयर्ड एज पास, यानी कि 5 सब्जेक्ट आपका क्लियर है, एक सब्जेक्ट में नहीं है, तभी आप पास हैं। तो अगर आप चाहें तो आप उस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं, बट आप बाउंड नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी पास हैं। रेगुलर कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन 2024 एंड डिक्लेयर्ड पास कैन अपीयर इन एनी वन सब्जेक्ट अंडर द इम्प्रूवमेंट। आप पास हैं तो एक ही सब्जेक्ट दे सकते हैं इम्प्रूवमेंट का, 10th वाले सेम है पर 2 सब्जेक्ट का दे सकते हैं। स्केड्यूल आपको पता चल गया है, 12th वालों का एक ही दिन है 15 जुलाई, ये डेट ऑलमोस्ट फिक्स ही होता है। अब कब से कब तक फॉर्म फिलअप की डेट है वो आपको पता होनी चाहिए। लेट फाइन के बिना एक सब्जेक्ट का 300 रुपया है इंडिया में, नेपाल में 1000 है और आउटसाइड इंडिया में 2000 है। और कब से कब भरोगे आप, 31 मई से 15 जून तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर मान लो इसमें मिस हो गया तो आपके पास एक दिन का और विंडो पीरियड है 16 to 17, लेकिन उसमें आपको एक्स्ट्रा 2000 लगेंगे, ये तो लगेगा ही प्लस 2000 देना पड़ेगा। तो वाई टू डिले, पहले प्रोसेस समझ के फिर फॉर्म फिलअप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। सो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एग्जामिनेशन फीस, विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए फीस नहीं होती है। फीस शैल बी एप्लीकेबल एज पर द स्केड्यूल, जो ये है इसके हिसाब से ही फीस आपकी लगेगी। लेट फाइन दे करके फॉर्म फिलअप करने का कोई मतलब नहीं है। फीस पेमेंट बेटा अब जो होता है ऑनलाइन मोड में ही होता है, डिजिटल मोड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, NEFT, RTGS, ये जो तरीके हैं उसके हिसाब से ही होगा। और ऑनलाइन पेमेंट करके उसकी आप फोटो ज़रूर रख लेना, ताकि आप फ्यूचर में कोई दिक्कत हो तो CBSE के रीजनल ऑफिस में जा करके बता सको। अब जब आप फॉर्म फिलअप करोगे, स्टेप्स फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, ये तो स्कूल जनरेट करेगी लिस्ट, ये आपका हेडेक नहीं है। देन ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये आप चेक कर लेना सब्जेक्ट विद देयर कोड्स जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट इसमें लिस्ट में नहीं है उसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते फॉर बोथ 10th एंड 12th। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फॉर्म फिलअप बहुत सावधानी से, बहुत ध्यान से, अगर थर्ड कंपार्टमेंट है तो बेटा किसी की सुपरविजन में करो, अकेले मत करो, गड़बड़ होती है, बहुत से बच्चों से गड़बड़ हो जाती है। तो गड़बड़ हो जाने के बाद फिर आपके पास ऑप्शंस बहुत कम बचते हैं, इसीलिए अच्छे से किसी बड़े के सुपरविजन में आप फॉर्म फिलअप करवा दीजिए। और जो 12th वाले जो फ्रेशर्स है, यानी कि इस बार जिनको रेगुलर एग्जाम दिया है, स्कूल्स में प्रॉपर देख लो कि आपका लिस्ट ऑफ कैंडिडेट में नाम है या नहीं है। आई होप आपके कुछ डाउट्स तो क्लियर हुए होंगे, जो डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ताकि फर्दर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके उन डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। नाउ जिन बच्चों की केमिस्ट्री कंपार्टमेंट आई है क्लास 12th के, बेटा आपको कोर्स ज्वाइन करना है, अगर क्रैश कोर्स तो इट विल बी 1 month क्रैश कोर्स। अगर आपको ज्वाइन करना है तो इस ईमेल आईडी पे ईमेल कर दीजिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। क्लासेस हमारी जूम के थ्रू होंगी, 10th of June से स्टार्ट होंगी, टिल एग्जाम चलेगा। एंड कोर्स फीस ओनली ₹1000, पहले था ₹2000, इसको हमने 50% डिस्काउंट कर दिया है ताकि बच्चों के लिए ये इजी हो। आपको कहीं पे और केमिस्ट्री की ऐसी क्रैश कोर्स कंपार्टमेंट वालों के लिए, इम्प्रूवमेंट वालों के लिए नहीं मिलेगी, एंड दैट आल्सो इन दिस मच लेस प्राइस। और हमारा लास्ट ईयर भी बहुत से बच्चों ने कंपार्टमेंट को क्लियर किया, ठीक है। वही क्लियर नहीं कर पाता जो बच्चा सिंसियरली क्लास नहीं करता या कभी नहीं क्लास करता, ऐसे भी कई बच्चे आते हैं जो क्लास ही नहीं करते। हमारे कोर्स में आपको NCERT लाइन बाय लाइन कराई जाएगी,
आपको एक स्टडी प्लान दिया जाएगा, देर विल बी अ टू वे कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ मैं बोलूंगी, आप अपने डाउट्स डेफिनेटली रख सकते हैं। लाइव क्लासेस मिलेंगी, उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, डाउट सेशंस होंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो होंगे उसकी सारी पीडीएफ आपके साथ शेयर की जाएगी। सो लेट मत कीजिए, अब हमारे पास कुछ दिन बचे हैं जिसके बाद क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। लेट ज्वाइन करने से फिर आपको खुद ही प्रॉब्लम होगी, इसलिए जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए ताकि एक महीने में हम अच्छे से मेहनत करके एटलीस्ट 70% तो स्कोर कर ही लें। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।